इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में आज वैक्सीनेशन हो रहा है, कैसी स्थिति है? इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल सिंह वहां मौजूद हैं। सीधे हम अतुल के पास चलते हैं। अतुल, क्या स्थिति है वहां पर? क्या वैक्सीनेशन लोगों को मिल रहा है? कितनी वैक्सीन वहां उपलब्ध है और लोग कितनी संख्या में पहुंचे? जी देखिए, यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हालांकि लगातार बीएमसी की तरफ से सफाई दी जा रही है ट्वीट करके कि वैक्सीन किन लोगों को लगाई जाएगी और किन को नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कन्फ्यूजन का माहौल इस तरीके का है कि आपको हम भीड़ यहाँ पर दिखाना चाहें। एक देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी है। ये जो लाइन आप इस समय देख रहे हैं, ये 45 प्लस कैटेगरी के वो लोग हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं सेकेंड डोज के लिए, जिन्हें कोविशील्ड यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी, और जो ऑफलाइन जो केवल कोवैक्सीन वाले हैं सिर्फ उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि यहाँ पर सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन ही अवेलेबल है। और दूसरी तरफ आप देखें, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्हें पहली वैक्सीन लगाई जा रही है वो लोग यहाँ पर खड़े हैं, और लगातार ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग फिलहाल मेंटेन होती हुई नहीं दिखाई दे रही, इसलिए यहाँ पर मुंबई पुलिस के लोग भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तैनात हो गए हैं। और 46 के कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी लाइन देखिए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गैदर होती जा रही, खासतौर पे जो वैक्सीन के लिए टोकन लगाने के लिए लोग जा रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए पुलिस भी यहाँ पर तैनात होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। काफ़ी देर तक यहाँ पर टोकन नहीं दिया गया, काफ़ी केओस का यहाँ पर माहौल था क्योंकि किसी को क्लियरेंस ही नहीं थी कि कितने बजे से वैक्सीन लगनी शुरू होगी, टोकन कब दिया जाएगा। हालांकि जो 18 प्लस कैटेगरी के लोग हैं उनका टाइमिंग 9 बजे का दिया हुआ था कि वैक्सीनेशन की उसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो 45 प्लस एज कैटेगरी के बुजुर्ग लोग खड़े थे सुबह 4 बजे से ही तड़के लाइन में आके खड़े हो गए इस उम्मीद से कि उन्हें यहाँ पर वैक्सीन की सेकेंड डोज एटलीस्ट आज मिल जाएगी। 3 से 4 दिन लगातार वो आ रहे थे, लेकिन उन्हें कई लोगों को निराश होकर वापस जाना पड़ा। अभी फिलहाल यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो शुरू हुआ है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा धीरे है, डिले हो रहा है, जिसकी वजह से 18 प्लस के जो लोग हैं उनकी लाइन और 45 एज के कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी लाइन लगातार लंबी होती चली जा रही है, जो काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है क्योंकि धूप बहुत तेज़ होता जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन नहीं होगी। बिल्कुल अतुल, इसीलिए ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब अपॉइंटमेंट मिले उसके बाद लोग वहाँ पर जाएं, ये लगातार कहा भी जा रहा है प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।